अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूएसबी के बारे में कि मार्केट में कितनी किस्म की हैं और कौन कौन सी क्वालिटी की हैं। सैमसंग, एचपी 2.0 कौन सी हैं और 3.0 कौन सी हैं, सभी के बारे में मालूमात फ्राहम करूंगा। पहले किंगस्टन की बात कर लेते हैं। ये 3.0 यूएसबी है, ये देखिए ब्लू कलर की है। ये 32 GB की USB है और इसकी प्राइस तकरीबन 1150 से 1250 तक की है। और इसके साथ भी किंगस्टन का मॉडल खड़ा है स्वाइवल 32 GB, ये भी 3.0 है। और नीचे डेटा ट्रैवलर 100 लेटेस्ट मॉडल आया है, खूबसूरत भी है और पायदार भी है, ये भी 3.0 ही होता है। ये देखिए इसके बाद है OTG, ये OTG USB है, कंप्यूटर के साथ भी लग जाती है और मोबाइल के साथ भी। इसके साथ ही सैमसंग का मॉडल है, ये भी OTG है। अगर सैंडिस्क की बात कर ली जाए तो ये तकरीबन 1250 से 1350 तक की रेंज की होती है। और ये जो सैमसंग की है ये 2.0 स्पीड है इसकी, ये 3.0 पर लिखा हुआ है लेकिन होती नहीं है। तो इसकी प्राइस जो है वो 750 तक है। इसके बाद 64 GB USB डाटा ट्रैवल 100, ये भी लेटेस्ट मॉडल है। इसकी प्राइस जो है तकरीबन 1600 रुपये है। अब आ जाते हैं सैमसंग पे। ये लेटेस्ट मॉडल आ रहा है मार्केट में, क्वालिटी अच्छी है, स्पीड भी अच्छी है और कीमत बहुत मुनासिब है, 550 रुपए की रेंज की मिल जाती है। इसके साथ HP, ये भी 550 की रेंज की है। अगर बात कर लें कि USB कौन सी लेनी चाहिए तो बेहतर यही है कि 3.0 ओरिजिनल ले लें। ये जो ऊपर जितने भी ब्रांड खड़े हैं ये ओरिजिनल हैं, यहाँ तक ये सभी ओरिजिनल ब्रांड हैं, तो ये ले ली जाएँ ये तो बेहतर रह जाती हैं। ये क्रप्ट जल्दी नहीं होती और इनकी वर्किंग बहुत अच्छी होती है, स्पीड बहुत अच्छी होती है। जैसे डाटा मकसद ले कर बंदा रख लेता है तो वो क्रप्ट नहीं होता, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा यही है इसका। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी किस्म की और भी वीडियो अपने चैनल पे क्रिएट करता रहूँगा। ये मेमोरी कार्ड खड़ा है 16 GB का, 16 GB है ज़्यादा। इसकी रेट, इसका रेट जो है वो 450 रुपये की रेंज का है। इन USB के अलावा ये देखिए हार्ड डिस्क से आप USB बना सकते हैं। मेरे चैनल में ये वीडियो पड़ी है USB जो कि लैपटॉप की हार्ड की USB बनाते हैं हार्ड डिस्क से, इसकी बॉक्स वगैरह की मुकम्मल वीडियो मेरी मौजूद है, आप देखिए। ये 3.0 ये 1 TB हार्ड है, इस वक्त लैपटॉप की 1 TB हार्ड है। इसकी USB मैंने बनाई हुई है, ये मैंने निकाल के रखी है आपको दिखाने के लिए। ये भी बेहतरीन स्पीड देती है। और इस तरीके से ये आ रहे हैं जो केबल्स वगैरह आती हैं, ये 2 TB सपोर्टेड लिखा हुआ है, 2 TB तक सपोर्ट है। हार्ड डिस्क लगती है इसके साथ, ये जो 1 TB है ये मैं इसी के साथ लगाता हूँ जब भी मैंने डाटा कॉपी करना हो। ये देखिए ये भी बॉक्स बना पड़ा है, ये मार्केट से मिल जाते हैं, ये 750 की रेंज के होते हैं। ये देखिए इसके अंदर मैंने 320 GB हार्ड डिस्क डाली हुई है। तो आजकल काफ़ी सोर्सेज हैं
आपको यूएसबी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये यूएसबी जो मैंने आपको दिखाई है ये हार्ड डिस्क वाली, ये आप एलसीडी के साथ भी लगा सकते हैं, 32 इंच 40 इंच की एलईडी के साथ आप लगा के इसके अंदर डाटा जो भी है आप उसको चला सकते हैं और बेहतरीन वर्किंग करती हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अल्लाह हाफिज़।